जोखे रालो योजना के तहत चाय बगान श्रमिकों की आंखों की जांच के लिए 3 महीने तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन। राज्य सरकार की जोखे रालो योजना के तहत चाय बगान श्रमिकों की आंखों की जांच के लिए 3 महीने तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन किया गया। राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने शुक्रवार दोपहर सिलीगुड़ी के दगापुर में इस शिविर का आधिकारिक उद्घाटन किया। साथ ही दिन के इस आयोजन से क्षेत्र के चाय बगान श्रमिकों को मुफ्त चश्मा भी दिया गया। मालूम हो कि शिविर में श्रमिकों की आंखों की जांच की जाएगी, साथ ही मुफ्त में चश्मा भी वितरित किया जाएगा। तो ये भी हम लोग का चीफ मिनिस्टर का सोचा हुआ चीज है। सीएम मोहित साहब अभी बता रहे थे कि हम लोग द्वारा सरकार में भी ये चीज तो कर रहे हैं, लेकिन खास करके बगान में काम करने वाले जो भाई और बहन लोग है, इन लोग का आंख जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर का देखिए चोखे रालो करके एक स्कीम है, ये स्कीम में कर दिया जाएगा। आजकल छोटा छोटा बच्चा को चश्मा लगता है, क्यों? 24 घंटा में 20 घंटा मोबाइल करते हैं, नहीं तो टीवी देखते हैं, नहीं तो किताब पढ़ते हैं, तो बच्चा लोग स्कूल में जाते हैं, उन लोग को भी चश्मा लगता है, उन लोग का भी आंख में पावर हो गया। इसलिए आंख बहुत कीमती चीज होता है। अगर एक आदमी का आंख नहीं रहेगा तो ही ये स्कीम चालू है। उन लोग हमेशा काम करते हैं और हम लोग का चीफ मिनिस्टर दोबारा सरकार कर दिया। पहले क्या होता था, कोई भी चीज आप लोग का अगर नहीं मिलता था तो आपको दार्जिलिंग हेडक्वार्टर में जाना है आंख का चेकअप के लिए। मैं कहूंगा कि करीब करीब सभी बगान में ये कैंप बैठेगा, तो आंख जरूर आप लोग जांच करा लीजिए। एक बार जांच करा के देख लीजिए कि आपका आंख का हालत क्या है, चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा, आपका कैटरेक्ट जो छानी होता है, ये छानी हुआ है, छानी का ऑपरेशन कराना है, ये खाली ये कैंप में जाने से ही आपको मालूम होगा, नहीं तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपका कैटरेक्ट हुआ। जब तक ना कैटरेक्ट एकदम माने ये बहुत दिन हो जाता, पुराना हो जाता है, तब तक मालूम नहीं पड़ता। तो जांच करा के देख लीजिए। और ममता बनर्जी हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है, वो जनता के लिए कुछ भी करते हैं तो फ्री करते हैं, बगैर कोई पैसा लेके करते हैं, जनता के लिए सभी फ्री। देखिए सामाजिक सुरक्षा योजना है ना, जिसमें जो लेबर लोग है, अनऑर्गेनाइज लेबर लोग है, इन लोग के लिए बहुत सा काम किया जाता है। पहले क्या था सीपीएम का जमाना में, तो ये आपको पहचानना होगा कि कौन काम करता है कौन नहीं करता है, कौन झूठा बोलता है कौन सही बोलता है, कौन आदमी जनता के लिए सेवा करते हैं। और हमेशा इसको ख्याल भी रखना होगा। अगर ख्याल नहीं रखिएगा चुनाव के आगे, वैसा 1 महीना 2 महीना चारों तरफ में घूम के और ऐसा आपको बोल देगा और आप उसमें भूल जाइएगा, तो ईश्वर नहीं होना चाहिए। तो ये जो काम आज शुरू हुआ 31 दिसंबर तक चलेगा और हर चाय बगान में ऐसा कैंप हम लोग करेंगे जहां पर आपका जांच होगा। अगर जांच करने के बाद ऑपरेशन का दरकार होगा, ऑपरेशन किया जाएगा और जितने भी चश्मा लगेगा ये फ्री दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा लगेगा भी नहीं। ममता बनर्जी काम के लिए कोई भी किसी से पैसा का लेके काम नहीं होता, सरकार का फ्री काम होता है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा।